nice computer man. नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू पैराडाइज कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर किसी की इच्छा होती है कि हमारे फ़ोन के कोई भी डाटा छेड़छाड़ ना करे, यानी कोई भी ना देखे, चाहे इमेज वगैरह जो भी हो उसको ना देखे। तो इसको किस तरह से हाइड किया जाए दोस्तों, किस तरह से लॉक किया जाए, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो करना क्या है दोस्तों, इसका एक कैलकुलेटर की मदद से मैं आपको इसमें वीडियो में लॉक करना बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है कैलकुलेटर वर्ल्ड। जैसे कि दोस्तों यहाँ हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कैलकुलेटर वर्ल्ड का ये आइकॉन है, इसको डाउनलोड करना होगा। तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। आपकी मर्ज़ी, आप वहां से डाउनलोड करें या प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर, जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, ये जहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए। तो उसके बाद मैंने तो इसे पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो इसलिए क्या करते हैं हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ओपन किया, तो ये स्क्रीन दिखा रहा है सीक्रेट लॉकर, यहाँ कर रहा है क्रिएट ए लॉकर पासवर्ड, तो इसमें एक पासवर्ड डालना है। तो चार अंक का पासवर्ड डालना होगा दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम पासवर्ड डाल देंगे। तो हम पासवर्ड डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पासवर्ड डाल लिया। तो पासवर्ड डाल लिया तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आया है। इसमें क्या करना है कि फेवरेट टीचर ने में, यानी कोई भी आपको क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें कोई क्वेश्चन टाइप करना है, रिकवरी के लिए कोई क्वेश्चन टाइप करना है। यदि आप पासवर्ड भूल जाए तो इसको रिकवरी करने के लिए ये क्वेश्चन मांगेगा, तो क्वेश्चन टाइप कर देते हैं। चलिए कोई भी हम क्वेश्चन टाइप कर देते हैं। फेवरेट टीचर नेम, ये मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया। अब नीचे क्या करा, आंसर टाइप का, इसका आंसर है तो जो भी मेरे टीचर है उसका नाम डाल देते हैं, फेवरेट होगा वो भी डाल देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये सेव एंड स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह का इंटरफेस नज़र आ गया दोस्तों। इसी इंटरफेस में क्या करते हैं, देखते हैं हमारे सामने कैलकुलेटर, तो चाहते हैं इसको कैलकुलेटर करना होगा तो कैलकुलेटर कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कैलकुलेटर भी कर दिए इसको। तो ये तो कैलकुलेटर का कैलकुलेटर भी हो गया दोस्तों। इसके बाद हम चाहते हैं दोस्तों इसमें कि हमको इसमें लॉक लगाना है, इसको हाइड करना है। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम इसमें जो हम पासवर्ड लगाए थे, पासवर्ड हमको टाइप करना पड़ेगा। तो हम इसमें पासवर्ड टाइप कर लेते हैं। पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया तो ये इस तरह का विंडो खुल गया। तो क्या करना है दोस्तों, ये विंडो ना खुले तो हम इसमें चेक कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ओके कर दिए दोस्तों। अब जिस पिक्चर को हमको छिपाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले इस प्लस वाले पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह का विंडो खुल गया, इंटरफेस खुला मेरे सामने में। तो क्या करना है दोस्तों, हमको एक फ़ोटो एल्बम फाइल पर क्लिक करेंगे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, हमारा जिस फाइल में पिक्चर है, यहाँ मेरा पिक्चर इसमें, तो इस पर क्लिक कर दिए। तो जो भी पिक्चर को हम हाइड करना चाहते हैं या हम पूरा को हाइड करना चाहते हैं, चलिए दोस्तों अगर हम पूरा जिसको हाइड करना था, मान लिया हम इसको हाइड करना तो इसको सेलेक्ट कर दिए, पूरा को करना था पूरा को ठीक कर सकते हैं, जिसको हाइड करना तो इसको सेलेक्ट कर दिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं टिक वाले ऑप्शन, इस पर हम क्या कर देंगे, और यहाँ लॉक है तो लॉक करना चाहते हैं तो लॉक कर देंगे इस पर, तो लॉक कर दिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, डन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये फ़ोटो हाइड हो गया। अब इस फोटो को कोई भी चाहेगा दोस्तों खोलने के लिए तो खोल, तो देख अगर देखना चाहे तो देख सकता है, लेकिन चाहेगा इससे शेयर करना चाहे तो इससे शेयर कभी नहीं होगा दोस्तों। ये तो हम इसको अनलॉक कर दिए दोस्तों। अगर हम इसको चाहते हैं कि इसको अनहाइड किया जाए, ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिए इसको फिर, और यहाँ से थ्री डॉट बटन पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अनहाइड पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो अनहाइड क्लिक कर दिए। अनहाइड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस बीच वाले ऑप्शन पर हम उसको क्लिक कर देंगे, इस फोल्डर में चला जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम डन कर देंगे। तो यहाँ इस तरह से आप भी किस, अगर आपको भी हाइड करना हो दोस्तों, इस तरह से हाइड कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।